तो हे गाइस, मैं ओके के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और यदि आप फ्रेंड राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है कि आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड, तो ए टू जेड प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज रहेंगे, क्या क्या लगेगा आपको, कौन पात्र होगा, क्या क्या लाभ होगा, सब कुछ हम लोग ए टू जेड इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड, तो आप राशन कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा। और सबसे पहले फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारा एक और चैनल है के जेड कंप्यूटर अड्डा, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फ्रेंड, इन सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी एक वेब ब्राउजर लेना है। वेब ब्राउजर के अंदर आपको सर्च करना है सीजीई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं जो है ऑनलाइन आवेदन करूंगा आपके सीएससी आईडी के थ्रू ही आपको मैं ऑनलाइन आवेदन करना सिखाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि सीएससी आईडी के थ्रू ही आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर सीजीई डिस्ट्रिक्ट सर्च करना है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वेबसाइट आएगा cgstate.government.in, ठीक है, और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट का एक वेबसाइट आ जाएगा, इसके ऊपर आप सिंपली तरीके से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पास लॉगिन का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पास लोक सेवा केंद्र का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं लोक सेवा केंद्र से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना सी एस सी आई डी डालना है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए फ्रेंड, आप अपने देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आप अपने ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल पोर्टल या प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्विसेज आपको दिखाई दे रही होगी, क्रमांक दिखाई दे रहा होगा सर्विसेज का नाम दिखाई दे रहा होगा। तो ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है 100 से भी ऊपर सर्विसेज हैं, तो आज हम लोग राशन कार्ड के रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, होम पे जाना है, और होम पे जाने के बाद देखिए जो भी यहाँ पर सर्विसेज है इसके लिए आवेदन किया गया है, वहाँ पर आपको टैब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर जो सर्विसेज के लिए अप्लाई किया गया है और टैब दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सभी सेवाओं पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सभी सेवाओं पे जैसे क्लिक करेंगे, सेवा का नाम आ जाएगा, लिस्टेड आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको 1 2 3 करके आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इस लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का लिस्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा। इसी में देखिए जो सर्विसेज है, यहाँ पर देखिए 53 नंबर का सर्विसेज है, राशन कार्ड जारी करने हेतु आवेदन, ठीक है। पीडीएस है, देख सकते हैं पीडीएस सर्विसेज है या पीडीएस राशन है, इसको आवेदन करने के लिए फ्रेंड देख सकते हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 दिन आपका लगेगा अप्रूवल होने में। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, राइट क्लिक करके मैं ओपन कर दूंगा। जैसे ओपन करूंगा देख सकते हैं फ्रेंड, राशन कार्ड जारी करने हेतु आवेदन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी सर्विसेज, पहले यहाँ पर देखिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो फॉर्म का स्टेप जो है चालू हो जाएगा, आगे पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटस चीजें बताई गई है, दस्तावेज के प्रकार है, निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग सहायक दस्तावेज में क्या बताया गया है फ्रेंड, निवास प्रमाण पत्र है आपके पास तो रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमें दस्तावेज बताने वाला हूँ उसका जो है कि अभी जो फॉर्म आप फिल कर लेंगे 2 स्टेप में, तो वहाँ पर जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। 256 KB के अंदर आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, और 256 KB के अंदर ही आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, आप सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को रखें अपने पास। तो निवास प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग आपको देखिए, अन्य में आप निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। घर या भूमि का दस्तावेज में फ्रेंड आपको जो है कि सिंपली तरीके से यहाँ पर जो है आप राशन कार्ड को, मतलब यहाँ पर जो आपका B1 है उसे दे सकते हैं, ठीक है। B1 रहेगा उसे भी दे सकते हैं, ऋण पुस्तिका को भी दे सकते हैं। बिजली का बिल यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एडवांस सर्टिफिकेट मतलब एडवांस डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो इसमें से जो जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश कीजिए, जो जो भी चीज़ें हैं आप उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो घर या भूमि का दस्तावेज है, यहाँ पर B1 को आप डाल सकते हैं। बिजली का बिल जो है, बिजली का बिल आप यहाँ पर ऐड करेंगे, बिजली का बिल होगा तो ये आपका एड्रेस भी प्रूफ काम कर जाता है। यहाँ पर देखिए फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वार्ड सदस्य है, स्थानीय विधायक है, सांसद के प्रमाण पत्र, तो जो भी आपका
राशन कार्ड के रिगार्डिंग जो फॉर्म होगा जिसमें कि आपका सरपंच का जो साइन सील होगा वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। शपथ पत्र होना चाहिए। तो इसका जो है कि फ्रेंड ऑनलाइन जो आवेदन करने के लिए जो फॉर्म मिलता है ऑफलाइन तरीके से, तो वो आपको लेना पड़ेगा फ्रेंड। ये आपको ऑनलाइन सेंटर में मिल जाएगा, शपथ पत्र वगैरह और इसका जो फॉर्म वगैरह होता है, ठीक है, सरपंच वगैरह का और आपका जो डिटेल वगैरह वाला, तो वो फॉर्म को आपको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। जब सरपंच वगैरह से साइन करवा लेंगे तब शपथ पत्र यहाँ लगेगा। अन्य में कुछ भी दस्तावेज दे सकते हैं। आवेदन प्रपत्र में जो आपका जो राशन का जो आवेदन प्रपत्र फॉर्म होता है वो लगेगा फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड आय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद देखिए पटवारी का जो प्रमाण पत्र होता है, पटवारी का जो प्रतिवेदन प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा आपका। परिवार के अन्य सदस्यों की आय में फ्रेंड आप कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका ऋण पुस्तिका वगैरह होगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड भूमि घर आय में आपको मैंने बताया था कि आप सिंपली तरीके से अपना जो B1 या P1 है ऐड कर सकते हो। सेटलमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटलमेंट, वंश वृक्ष वगैरह सब डालने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो। देखिए फ्रेंड यहाँ योग्यता वगैरह में भी और भी चीजें यहाँ बताई गई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, तो आपके पास फ्रेंड निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हो आपके पास होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र। परिवार में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। यदि आप राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं फ्रेंड, तो आपके घर में किसी का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। यदि वो सेपरेट नहीं है, तो यदि अलग हो चुके हैं तो अपना अलग बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और याद रखिएगा इसके अंदर जो है कि राशन कार्ड अन्नपूर्णा का बनता है, निःसक्ता का बनता है, प्राथमिकता जैसे कि BPL कार्ड बोला जाता है, और साथ ही साथ आपका जो सामान्य राशन कार्ड होता है वो आपका APL राशन कार्ड होता है, जनरल वालों का बनता है। BPL जो 2.5 एकड़ से नीचे हैं वो प्राथमिकता और BPL के अंदर आएंगे, बिलो पॉवर्टी लेवल के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है परिवार के सदस्य विभाजित परिवार में होने चाहिए। मतलब आपका डिवाइडेड परिवार है, फैमिली है, भाई अलग हो जा रहा है पिता से, तो भी ये बनवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवविवाहित जोड़े हो सकते हैं, मतलब आपकी न्यू न्यू शादी हुई है तो आप अपना अलग फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, ठीक है। समय सीमा समाप्त स्थायी राशन कार्ड धारक, ठीक है, तो जो जिनका भी समय सीमा समाप्त हो चुका है वो रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज में देखिए फ्रेंड आपको क्या क्या बताया गया है। खाद्य विभाग के क्षेत्र का प्रमाण पत्र जो होगा, ठीक है, हाल ही का बिजली बिल वगैरह है तो भी आपका यहाँ पर ऐड कर सकते हो। परिवार के समूह देख सकते हैं, परिवार के जितने लोग हैं एक राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं उसमें तस्वीर की 2 प्रतियां, मतलब आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जितने घर में सदस्य हैं उनके 2 पासपोर्ट साइज कम से कम रखें। पिन कोड के साथ पूर्ण आवासीय पता होना चाहिए, मीन्स कि आप फ्रेंड अपना यहाँ पर जो है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका वोटर आईडी वगैरह है, पैन कार्ड वगैरह है, तो ये सब चीज़ें आप रखें अपने पास, ठीक है। आवेदक के साथ परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों का नाम, ठीक है, तो उनका जो फॉर्म होगा राशन कार्ड वाला जो फॉर्म आप ऑफलाइन भरेंगे उसको फिर बाद में स्कैन कीजिएगा आप यहाँ, फिर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो उसमें जो है कि उनका नाम आपको लिस्ट वाइज देना पड़ेगा, साथ में आधार नंबर भी वहाँ भरना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इस फॉर्म को जो पूरी तरीके से भर लेंगे फिर आपको स्कैन करके फिर इसी वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 6 नंबर है व्यवसाय का वार्षिक आय, तो आपको अपना वार्षिक आय बताना पड़ेगा। आपकी जमीन की डिटेल देनी पड़ेगी कि आपका आय है क्या, उसी हिसाब से आपका अन्नपूर्णा, निःसक्ता या फिर आपका BPL APL बनेगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 7वां है रसोई गैस कनेक्शन का वितरण, यदि आपको उज्ज्वला पेंशन योजना वगैरह मिलता है तो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। 8वां है संपर्क जानकारी फोन नंबर या मोबाइल नंबर के साथ, तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा क्योंकि अब मस्ट कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर कि आपको मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद 9वां है फ्रेंड देख सकते हैं अविवाहित व्यक्ति को अभिभावक का पता संलग्न करना है, तो जो भी इसका मुखिया होता है आपका राशन कार्ड का, हालांकि लेडीज को ही मुखिया बनाया जाता है, तो उसका जो है कि यहाँ पर फ्रेंड डिटेल और आपका आधार कार्ड यहाँ पर लगने वाला है। जितने मेंबर्स ऐड होने वाले हैं सभी का आधार कार्ड वगैरह ऐड लगेगा, नाम फोटो वगैरह सब लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो इसका शुल्क लगेगा वो 30 रुपये लगेगा, वो आपके CSE पोर्टल से ही काटा जाएगा, याद रखिएगा। प्रमाण पत्र जारी होने की अनुमानित तिथि, तो देखिए यहाँ पर 15 दिन बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में 15 दिन लग सकती हैं, इसी तरीके से। तो फ्रेंड हम लोग फॉर्म को आगे करने के लिए, मैं फॉर्म को आगे करूंगा और देखते हैं फॉर्म को आगे करने के बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर सिंपली तरीके से फर्स्ट जो पार्ट है वो फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा, राशन कार्ड जारी करने हैं तो आवेदन, तो यहाँ पर फ्रेंड आपको जो भी परिवार का मुखिया है उसका नाम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो परिवार का मुखिया है यहाँ पर डालिएगा, हितग्राही में भी उसी का नाम डालिएगा, और साथ में फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हितग्राही आवेदक दोनों सेम है तो आप यहाँ पर इसको चेक कीजिएगा। इसके बाद आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी
और आवेदन की जो दिनांक है ऑटोमेटिक उठाएगा। फ्रेंड यहाँ पर सबको अपना गांव का नाम और अपने जिला का नाम हिंदी में टाइप कीजिएगा। यहाँ पर जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा हिंदी में टाइप कीजिएगा गूगल इनपुट टूल्स का यूज़ करके। इसके बाद देखिए फ्रेंड कार्यालय का चयन करना है, इसके ऊपर चेक कीजिएगा। इसके बाद जिला आपको सेलेक्ट करना है, जैसे हमारा सूरजपुर जिला है। इसके बाद कार्यालय जो है देखिए यहाँ आएगा हमारा कार्यालय जो है नगर पालिका के अंदर आएगा, ठीक है। नगर पालिका के अंदर सूरजपुर नगर पालिका परिषद है, इसके संभाग नगर पालिका परिषद है, और फिर यहाँ से वार्ड वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी वार्ड वगैरह रहेगा आपके केस में, ठीक है। आपका जो भी पड़ता है नगर पालिका या नगर निगम, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जमा करें पे जैसे क्लिक कीजिएगा फॉर्म का पार्ट टू आ जाएगा। वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ फ्रेंड क्या क्या लगने वाला है। वहाँ पर देखिए आपकी ज़मीन के रिगार्डिंग आपका जो है कि नाम पता, आपके फादर का नाम, आपका सब कुछ डिटेल पूछा जाएगा। कब से आप निवास कर रहे हैं वो सब डिटेल पूछी जाएगी। आपके कास्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ फॉर्म पे भरना भरा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड जो भी आपके मेंबर हैं इस राशन कार्ड में, जो भी मेंबर ऐड होने वाले हैं उनका नाम पता लिया जाएगा, साथ में उनका जो है कि आधार नंबर भी वहाँ पर फिल करवाया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका मतलब ज़मीन के रिगार्डिंग कितना ज़मीन है, या फिर आय के रिगार्डिंग आपका कितना आय है, ठीक है। आप किस पर्पज़ से आप ये राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, कौन सा राशन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, और आपकी ज़मीन के रिगार्डिंग जितना भी आपका डिटेल है वो फिल करना पड़ेगा। आय के रिगार्डिंग जो डिटेल है वो फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पर फ्रेंड आपका जो स्थायी पता क्या है, आपका टेम्परेरी पता क्या है, आपका थाना पिन कोड वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा। निवास के रिगार्डिंग, आय के रिगार्डिंग, ज़मीन के रिगार्डिंग सब डिटेल देनी पड़ेगी। साथ में आपका जो राशन कार्ड में जितने मेंबर ऐड हो रहे हैं सभी का डिटेल वहाँ पास देना पड़ेगा, कब से निवास कर रहे हैं वो सब डिटेल देना पड़ेगा। जब वो सब डिटेल आप फिल कर लेंगे उसके बाद जैसे ही जमा करें पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड फॉर्म का पार्ट थ्री स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं फ्रेंड कि आपको अपना जितने भी पर्सन हैं आपके उन सभी का आधार कार्ड आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। साथ ही साथ फ्रेंड आपको निवास प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा परिवार के मुखिया का। साथ ही साथ आपका ज़मीन का जो B1 है P1 है इन सभी को स्कैन करना पड़ेगा। सेटलमेंट को भी स्कैन कीजिए। साथ ही साथ यदि आपका वोटर आईडी वगैरह है, आय प्रमाण पत्र है, सरपंच का जो प्रतिवेदन सरपंच का प्रमाण पत्र या पटवारी का प्रमाण पत्र है उसको, और साथ ही साथ आपका जो राशन कार्ड के रिगार्डिंग जो आवेदन प्रपत्र होता है, ठीक है, जितना आप फॉर्म फिल करेंगे उसको भी स्कैन करके इसको फ्रेंड 256 KB के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और अपलोड करने के बाद जैसे ही अपलोड कर देंगे उसके बाद जैसे ही आवेदन जमा करें पे क्लिक कीजिएगा आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा CSC के अंदर। और CSC में आपको फ्रेंड जो है कि 30 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद एक स्लिप जनरेट होगी, इस स्लिप का 2 प्रिंट लेना है आपको, एक कस्टमर को देना है और एक अपने पास रख लेना है। हालांकि इसका जो प्रिंट है ऑलरेडी आपके पोर्टल पर पड़ा रहेगा, लेकिन आप प्रिंट करके दे दीजिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड उसमें एक संदर्भ क्रमांक होगा, उस संदर्भ क्रमांक से आप अपने जो राशन कार्ड 15 दिन बताया जाता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है या फिर 15 दिन तक हो जाएगा आपका। तो जैसे ही आप अपना जो संदर्भ क्रमांक है उस पर संदर्भ क्रमांक को डाल के टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपका आवेदन अभी एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, सब कुछ डिटेल वहाँ पर बता दिया जाएगा। और जब फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो आपका या रिजेक्ट होगा तो आपके मोबाइल पे भी SMS आ जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड आप बीच बीच में जाके अपना चेक भी करवा सकते हैं। और फ्रेंड जैसे ही आपका जो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको अपना जो जनपद पंचायत है वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ से जो छोटा मोटा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड आपका जो है कि राशन कार्ड कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।